अरमान मलिक ने एल्विश यादव का मजाक उड़ाया है। मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट गॉसिप, और आप लोग पूरी गॉसिप सुनने के बाद बताइए जरूर कि अरमान मलिक की इन बातों से क्या आप लोग सहमत हैं। आप में से काफी सारे लोग जो है एल्विश यादव के फैन होंगे, एल्विश यादव को उनके कंटेंट की वजह से जो है पसंद करते होंगे, उनकी पर्सनालिटी की वजह से आप लोगों ने पसंद किया होगा। इवन कुछ लोग जो है एल्विश यादव के तब जुड़े जब उन्होंने एल्विश यादव की पर्सनालिटी को बिग बॉस OTT सीजन 2 में देखा। अब जो है अरमान मलिक बिग बॉस OTT सीजन 3 में है, और OTT सीजन 3 में जो है लव केश भी है, यानी कि एल्विश यादव के बहुत खास दोस्त जो है जिनका लक काफी ज्यादा अच्छा चला, और बाकी दोस्तों के बजाय जो है लोगों ने लवकेश कटारिया को एल्विश के साथ बहुत ज्यादा पसंद भी किया, और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी, और लोग जो है देखना चाहते थे लवकेश के साथ, काफी ज्यादा कनेक्ट जो है बाहरी दुनिया में लोग फील करने लग गए। अब जो है अरमान मलिक जो है इवन साई केतन के साथ बैठ के बात कर रहा था, और वो ये बात बोल रहा था कि ये जिस जिसके ऊपर उड़ता है ना, जिसके नाम के ऊपर उड़ता है, उसका बाहर ऐसा वैसा कुछ है नहीं, वो सिर्फ लक के ऊपर चल रहा है। हमारी जो हरियाणवी स्लैंग रहती है, भाषा रहती है, वो लोग ना थोड़ी पसंद करते हैं, और वो थोड़ा अच्छे से उसको बोल लेता है, और इस ना वो व्लॉगर अच्छा है, ना वो सिंगर अच्छा है, ना वो एक्टर अच्छा है, ना वो कुछ चीज़ें करता है, वो कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी ही नहीं है उसकी, और वो लक की वजह से चले जा रहा है और कुछ नहीं है उसमें, और ये बंदा जो है उसकी ऊपर जो है उसके ऊपर जो है वो कूद रहा है, उसके नाम पे कूद रहा है। तो साई केतन बोलता कि अच्छा, तो साई केतन को ये बात बोलता कि तू जाके उसके व्लॉग देखना, तेरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा बेकार व्लॉग जो है वो बनाता है, उसका कुछ कॉन्टेंट ही नहीं है। तो साई केतन पूछता है कि इस बार कौन आएगा, तो बोलता है कि मुझे लग रहा है वो ही आएगा, यानी कि एल्विश। हाँ, एल्विश के आने की अपडेट तो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, और मिस्टर फैजू के भी आने की अपडेट है। तो बोलता है कि आके वो क्या बोलेगा अरमान, तो अरमान का कहना ये है कि आके वो यही बात बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है, तुम ऐसा वैसा क्यों बोलते हो, तुम इस शो में हो, शो में रह के शो के जैसा सोचो, बाहर की बातें क्यों करते हो, और ऐसा नहीं है कि वो मेरे नाम से आगे बढ़ा है, उसके भी खुद की फैन फॉलोइंग है, ये है वो है। तो मैं भी उसको बोल दूंगा, मेरा भी थोड़ा ना मुंह बंद है, मैं भी उसको बोलूंगा कि भाई तेरा खुद का तो कॉन्टेंट अच्छा है नहीं, तू तो खुद कॉपी करता है, तो दूसरों को क्या समझाने के लिए आया है। मैं भी वहां पर ये बात जरूर बोलूंगा। देखेंगे अरमान मलिक को एल्विश यादव किस तरीके की सलाह देते हैं, और अरमान मलिक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं साई केतन के साथ बैठ के एल्विश यादव को लेके, तो वो आखिरकार किस तरीके से जवाब वहां पर दे पाएंगे। तो अब ये बातें जो है हो रही हैं, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और एल्विश भाई, एल्विश के बारे में ये बंदा ऐसा बोल रहा है, एल्विश से ये जलता है, एल्विश बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, मतलब कि एक सेलिब्रिटी है, और ये भी चलो सेलिब्रिटी इसीलिए यहां पर आया है, पर एल्विश का एक ऑरा ही अलग है। एल्विश को लोगों ने देख के ही पसंद किया, एल्विश को, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका बोलने का स्टाइल, हर एक चीज लोगों ने पसंद की। तो अब और एक बात ये भी है कि जो लवकेश को बोलते कि एल्विश की वजह से फेमस हुआ, देखिए दोस्त था उसके साथ, लोगों ने उसके साथ के दोस्त को, औरों को पसंद नहीं किया, बस लवकेश को पसंद किया। क्यों लवकेश को पसंद किया? क्योंकि लवकेश की पर्सनालिटी उनको पसंद आई, और वो पर्सनालिटी पसंद आई तो लोग जो है उसको फॉलो करने लग गए, तो यानी कि उसकी वजह से फॉलो करने लगे ना। कोई किसी की वजह से किसी को फॉलो नहीं करता है। अगर जाके आप बोल दो किसी को कि जाओ खुशी रू को फॉलो कर लो, भाई हम लोग गॉसिप उसकी सुनते हैं, जब तक उनको पसंद नहीं आएगी मेरी गॉसिप, वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे आपके कहने पर। यही चीज है एल्विश और लवकेश में। ये लोग समझते क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आती।